शासकीय श्री अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय में भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक पद्मश्री डॉक्टर एस आर रंगनाथन की 51वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव थे। श्री अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय में भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक पद्मश्री डॉक्टर एस आर रंगनाथन की 51वीं पुण्यतिथि मनाई गई। प्रारंभ में पुस्तकालय के नवग्रह नक्षत्र उद्यान में रंगनाथन की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं से रंगनाथन के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे मूल रूप से गणित के प्राध्यापक थे और पुस्तकालय विज्ञान के ना होते हुए भी उन्होंने ग्रंथपाल के रूप में देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान को स्थापित किया। एक छोटे से गांव के एक बालक ने अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा के बल पर एक शीर्ष मुकाम हासिल किया। इसी प्रकार आप भी लगन, मेहनत से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और मैं तो कहता हूं कि ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़ना चाहिए बच्चों। जितने भी कामयाब लोग हुए हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़ना चाहिए, और किसी और की पढ़े या ना पढ़े, हिटलर की जीवनी जरूर पढ़ना चाहिए। दुनिया की सबसे जबरदस्त जीवनी है सीखने की दृष्टि से, समझने की दृष्टि से। एक आदमी जो शिखर पर होता है और जब अकेला होता है किस तरह का उसके जीवन में दृश्य होता है, किस तरह का उसका महसूस होता है, क्योंकि ये जीवन के तो सबसे महत्वपूर्ण क्षण है कि आप किसी दिन बहुत शिखर पर होंगे और किसी दिन बहुत अकेले, और उन दोनों स्थिति जब आप शिखर पर हो तब आपको अपने आप को संभालना बहुत बड़ी बात है, और जब आप शून्य पर हो तब अपने आप को संभालना बहुत बड़ी बात है। और जिस दिन दो स्थितियों को हैंडल कर लिया वो जीवन में हर स्थिति हैंडल कर सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ बच्चों को हिटलर जरूर पढ़ो, हिटलर की जीवनी पढ़ो, हिटलर मत बनो। आगे तो हिटलर होते हैं, हर आदमी में कहीं ना कहीं छोटा मोटा हिटलर है, छिपा रहता है, वो समय समय पर बाहर निकलता भी है, लेकिन उसकी जीवनी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे वक्तव्य को इस तरह से ना लिया जाए कि मैं हिटलर का समर्थक हूँ, आजकल बवाल हो गया है। उन्होंने सर तो मोटिवेशन देने आए थे और हिटलर की तारीफ कर गए, सर नाजीवादी है। थोड़े दिन पहले जो कमिश्नर साहब थे पवन शर्मा, उनको किताबों पढ़ने का बड़ा शौक था, तो एक अधिकारी है ओपी श्रीवास्तव जो एक्साइज कमिश्नर है, वो तो शादियों में लोगों को किताबें देते हैं। आपने कहा कि हम बुके नहीं देते, बुक देते, वो किसी के रिसेप्शन में जाते थे किताबें देते। तो किताबें न केवल आपको एक अच्छा इंसान बनाती है, चेतनावान बनाती है, प्रज्ञावान बनाती है, लेकिन उससे बढ़कर एक आपको संवेदनशील इंसान बनाता है। जो लोग लेखक होते हैं, जो लोग किताबें पढ़ते हैं, उनमें एक संवेदनशीलता। डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव ने बच्चों को पत्रकारिता, समाचार पत्र, पत्रिकाओं को पढ़ने के बारे में बताते हुए कहा कि समाचार पत्र पूरा पढ़ने की आदत डालें, पुस्तकें खूब पढ़ें, सिर्फ परीक्षा संबंधी पुस्तकें पढ़कर आप हो सकता है परीक्षा में सफल हो जाएं, लेकिन आप अच्छे प्रशासनिक अधिकारी नहीं बन सकेंगे। उन्होंने कुछ अधिकारियों का जिक्र करते हुए कहा कि वे विवाह में भेंट स्वरूप ही पुस्तकें देते थे। उन्होंने बच्चों को परीक्षा में सफलता की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में पुस्तकालय परिवार के सदस्य मेघना चार्ल्स, पूर्णिमा पांचाल, रागिनी गौड़ आदि उपस्थित रहे।